अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगाल रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज हसन नासिर एंड आई एम अमाद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज अमाद इस वीडियो का जो टाइटल है ना वो है देयर इज गोइंग टू बी फ्लाइंग वॉकवे इन बांग्लादेश। ठीक है जी, मतलब एक फ्लाई करने वाला वॉकवे, ये समझ नहीं आया हसन क्या ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का वॉकवे होना चाहिए। मुझे लगता है कोई शायद ब्रिज होगा उसके ऊपर तो शायद वॉक की जाएगी और पूरा शायद कोई में तो यही दिखाया जाएगा। हाँ। अभी पता नहीं क्या सीन है, ये देखने के बाद ही पता लगेगा। हाँ। इसमें वीडियो के अंदर है क्या ऐसा है, क्या ये फ्लाइंग वॉकवे का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? ये बहुत जो है ना एक यूनिक सा और डिफरेंट टाइटल हमें नजर आ रहा है, जो मतलब बहुत ज्यादा कन्फर्म बता नहीं रहा कि ये वीडियो है किस बारे में। एग्जैक्टली। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3, 2, 1 स्टार्ट। ओ यार, ऑलरेडी প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানিয়েছেন, মাটিতে যেহেতু জায়গা কম সেহেতু এলিভেটেড হলে ভালো হয়, এতে চলাচল সহজ হবে। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির একনেক বৈঠকে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা ও জেটি সহ প্রকল্পের অনুমোদনের সময় তিনি এই নির্দেশ দেন। বৈঠক শেষে রাজধানী শেরবাংলা নগরের সম্মেলন কক্ষে ব্রিফিং এ পরিকল্পনা মন্ত্রী বৈঠকের বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরেন। তিনি জানিয়েছেন, এলিভেটেড ওয়াকওয়ে এর বিষয়টি এছাড়া বংশানুক্রমিক ভাবে তারা যাতে চাকরি পায় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন দিতে গিয়ে তিনি নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, উপকূলীয় অঞ্চলে আধুনিক ড্রেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে চিংড়ি চাষের জন্য লবণ পানির প্রয়োজন হলে তখন এই ড্রেনের সিস্টেমের মাধ্যমে চাষিরা নিতে পারেন, আবার যখন পানি বেশি হবে তখন বের করেও দিতে পারেন, তবে যারা পানি নেবেন তাদের কাছ থেকে টাকা নিতে হবে। অপর একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন তিনি, এলসি স্টেশনগুলোতে বডি ও মালামাল স্ক্যানার বসাতে হবে, যাতে অবৈধ কোনো কিছু দেশে প্রবেশ করতে না পারে। নদীগুলো নিয়মিত মেইনটেন্স ড্রেজিং ও ক্যাপিটাল ড্রেজিং করতে হবে। নদীর ধারে অবস্থিত শিল্প কারখানার বর্জ্য যাতে নদীতে ফেলা না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্প কারখানাগুলোতে ইডিবি বর্জ্য শোধনাগার পানি শোধন করেই তবে নদীতে ফেলা যাবে। এছাড়া রংপুরে এক ফসলি জমিতে করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নব থিয়েটারের সঙ্গে শিশু পার্ক তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड। तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इसके अबाउट कि कैसे यार ये फ्लाइंग वॉकवे होने ये वाला है। वाकई फ्लाइंग वॉकवे से मतलब जब हसन समझ आ गया है। हाँ। कि फ्लाइंग वॉकवे से मुराद है कि सारी कार्स वगैरह हवा में घूम रही होंगी, ऊपर ही चल रही होंगी, इतने ज्यादा ब्रिजेस बन जाएंगे बांग्लादेश के अंदर एक ही जगह पे। वो कहना चाह रहे हैं, आपने सही तरह ग्रिप की है। वीडियो के स्टार्ट के अंदर हमने जो सीन देखा था वो बांग्लादेश का नहीं था, जो हमें हैरान हुआ था उस तरह का बनाने जा रहे हैं बांग्लादेश को कि वैसे बंदा ऊपर से देख के हैरान रह जाएगा। इतने ज्यादा ब्रिजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्योंकि रोड देखे ना, नीचे ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, ब्रिजेस यूज, इनको ब्रिजेस को यूज किया और मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लाईओवर को बनाएंगे ताकि नीचे से ट्रैफिक का जो हसन लोड है। हाँ। वो कम हो सके, क्योंकि आपको पता है ढाका के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा डेंस जो है ना पॉपुलेशन है। ठीक है, इस वक्त जो है ना रोड के ऊपर रश बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उसको कम करने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, ये बांग्लादेश का बहुत सीधा भी कर सकते, बट उन्होंने ऐसे किया ताकि वो जो लॉजिकली ये मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक फैल जाएगी, और एक किस्म का ब्यूटीफाई कर दिया गया है इस। हाँ। ब्रिजेस वगैरह को, फ्लाईओवर को दुबई में मतलब आप एक इसको ड्रोन व्यूज देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, यार इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है इधर से।
तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, मुझे जो है ना अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द ही जो है ना कामयाबी की तरफ और इसका स्टार्टिंग हो जाए, हम इसका रिएक्शन भी दे सकें, हम इसका रिएक्शन दे सके और हम विजिट भी कर सकें इंशाल्लाह बांग्लादेश। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसकी भी वीडियो बनाएंगे, जब जरूर बनाएंगे होगा उसकी भी बनाएंगे, और जब बन जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस पे भी जो है ना ये जो मतलब एक आइडिया आया इनको, जो शेख हसीना को जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है बांग्लादेश के ऊपर, हसन मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ये अप्रिशिएट करने वाला जो है ना ये काम है, ठीक है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना बनता है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और हम दुआ करते हैं कि जल्द जल्द ये कंप्लीट हो, इसे स्टार्ट भी हो और कंप्लीट भी हो, लेकिन ज़बरदस्त यार बहुत मज़ा आया ये चीज़। गाइस यहाँ तक की थी वीडियो, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो अगर आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप न्यू हैं या आप हमारी वीडियोज देखते हैं, तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। पांच वक्त गाइस पांच वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें और हमें पाकिस्तान को और मतलब पूरी जो है ना दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी के लिए अल्लाह से दुआ ज़रूर करें। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।